हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अर यूट्यूब चैनल कोड विद पटेल सो फ्रेंड आज के वीडियो में हम देखेंगे स्विच केस को देखेंगे क्या होता है ये स्विच केस और कैसे इसे यूज करते हैं अपने डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगेन सो फ्रेंड व्हाट इज स्विच केस स्विच केस आर द स्टेटमेंट विच सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द नेस्टेड इफ एस स्टेटमेंट्स मीन्स स्विच केस बेसिकली नेस्टेड इफ एस कंडीशन का शॉर्ट फॉर्म या फिर सिम्प्लीफाइड वर्जन होता है मींस नेस्टेड इफेल्स कंडीशन मतलब कि आप एक इफ एल्स कंडीशन के अंदर जो है दूसरा इफेल्स कंडीशन लगा रहे हैं मतलब एक इफ़ लगाया उसके अंदर आपने फिर से एक इफ कंडीशन लगा के चेक किया उसके अंदर भी आप गए फिर से आपने इफ कंडीशन लगाया तो जो एक नेस्टेड हेरकी बनता है उसको ही नेस्टेड इफेल्स कंडीशन कहते हैं तो उसको रिड्यूस करने के लिए ही ये स्विच केस बना हुआ है ठीक है तो आते हैं सीधे अपने डैटपेड पर और समझते हैं इसे कोडिंग के थ्रू सो फ्रेंड सपोज़ कीजिए मैं एक सीनेरियो यहाँ रखना चाहता हूँ जैसे कि मेरे पास एक ग्रेड सिस्टम है अपने स्टूडेंट्स के लिए मैं चाह रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट को अगर उनका ग्रेड ए है तो उन्हें एक टाइटल प्रोवाइड करूँ जैसे कि वेरी गुड बी है तो टाइटल प्रोवाइड करूँ इट्स गुड सी है तो उसका मतलब इट्स फेयर डी है मतलब इट्स नॉट फेयर तो इस तरीके के मैं जो है रैंकिंग सिस्टम करना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट में उन्हें ग्रेड के थ्रू जो है आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ तो इस केस को मैं कैसे सॉल्व करूँगा क्या तो मैं ई फल्स कंडीशन यूज कर लूँ नेस्टेड ई फल कंडीशन यूज कर लूँ एक के अंदर एक जो है इफ एल्स इफ एल्स लगाता जाऊँ लगाता जाऊँ इफ के अंदर इफ लगाता जाऊँ तो इस तरीके से मैं इसको अचीव कर सकता हूँ पर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो इसी चीज को रिड्यूस करने के लिए जो है इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए ही स्विच केस बनाया गया ठीक है तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले एक स्ट्रिंग लेता हूँ स्ट्रिंग में इसका नाम देता हूँ ग्रेड सिस्टम जी आर ए डी ओके ग्रेड फिलहाल इसे एंट्री रखता हूँ और स्विच केस बनाने के लिए क्या करूँगा मैं यूज करूंगा स्विच कीवर्ड को स्विच कीवर्ड यूज किया और यहाँ पे हम देंगे उस ग्रेड को और इसके अंदर हम अपना सारा कोडिंग का, का काम करेंगे उसके केस को चेक करेंगे कैसे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने ग्रेड को असाइन कर दूंगा कि मैं इस ग्रेड को चेक करना चाहता हूँ कि इस ग्रेड की वैल्यू आखिरकार है क्या ए है बी है सी है डी है क्या है तो इसके लिए मैं पहला केस दूंगा मैंने केस दिया और यहाँ पे मैंने चेक किया कि क्या ये केस जो मतलब ग्रेड है क्या ए से मैच कर रहा है अगर मैच कर रहा है तो मैं यहाँ कोलन लगाऊंगा और कोलन लगा के सिंपली नीचे आके मैं कर्ली ब्रेसेस में इसको एग्जीक्यूट करूंगा मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देता हूँ कि सपोज इट्स अ वेरी गुड जिसने भी ए ग्रेड लाया उसका वेरी गुड और उसके बाद मैं क्या करूंगा एक ब्रेक कीवर्ड का यूज करूंगा ब्रेक कीवर्ड क्या करता है ब्रेक कीवर्ड ये करेगा कि जैसे ही अगर ये केस ट्रू हो जाएगा शुरू होने के बाद यहीं पे इसको ब्रेक कर देगा और ब्रेक करने के बाद इस ब्लॉक से बाहर निकल आएगा और इसके नीचे जो भी कोड आप लिख रहे होंगे वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा ठीक है क्योंकि कोडिंग का फ्लो अप टू डाउन ही होता है पहले अपर वाला चलेगा फिर ये चलेगा अगर ये अगर लूप रहेगा तो लूप को बार बार एग्जीक्यूट करेगा इसी तरीके से चलेगा उसके बाद नीचे वाले कोड को एग्जीक्यूट करता जाएगा करता जाएगा ठीक है अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो यहां से ये लोए बाहर निकल के इसको एग्जीक्यूट कर देगा अगर ये केस ब्रेक नहीं होता तो तो हम दूसरा केस अप्लाई करेंगे और केस में क्या कर देंगे यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या हमारे ग्रेड की वैल्यू बी के इक्वल तो नहीं है फिर से कोलन लगाएंगे और कोलन लगा के यहाँ पे करली बेस देंगे और अपने कोड को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे कि अगर उसका ग्रेड बी आता है तो इट्स मतलब गुड है वेरी गुड तो नहीं पर गुड है ओके okay, सेम काम यहाँ पर भी, भी हम ब्रेक कीवर्ड यूज कर लिया कि अगर यहाँ पे केस मैच कर जाता है तो फिर इसको यहीं से ब्रेक कर देगा थर्ड केस लगाते हैं केस में क्या कर दिया कि हमने इसको चेक किया सी के कोड नहीं तो नहीं है ये कोड फिर सेम काम प्रिंट कर दिया इसको कि अगर ये है तो ठीक है फेयर है इट्स नॉट वेरी गुड बट इट्स फेयर उसके बाद हमने यहाँ पे भी इसको ब्रेक कर दिया ओके okay? अब क्या करते हैं कि एक रैंडम वैल्यू दे देते हैं चलिए ए ही दे देते हैं एक बार अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं क्या हुआ देखिए इसने आउटपुट में क्या दिया ये वाला स्टेटमेंट वेरी गुड उसके बाद इसने एग्जीक्यूट किया एंड को जो कि हमारे इस ब्लॉक के बाहर है मतलब स्विच केस के बाहर ही है तो हुआ क्या कि हमने ये ग्रेड दिया और स्विच को ये कहा कि हम भाई इस ग्रेड पे ही चेक करना चाहते हैं कि ग्रेड की वैल्यू क्या हो सकती है अगर ग्रेड की वैल्यू केस नंबर वन मतलब कि इसके बराबर होगी एक इक्विवेलेंट होगी तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दो और सिंपल इस ब्रेक वाले कीवर्ड के थ्रू जो है इसको बाहर निकाल दो अगर एग्जीक्यूट हो जाता है तो ओके तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं यहां पे बी कर दूँ, आप चेक करते हैं इसे गुड ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेड को उसने चेक किया केस वन पे आया केस वन को देखा कि अरे ये तो इक्वल है ही नहीं तो इसके बाहर निकल गया ब्रेक नहीं किया इसने ये ब्रेक तभी करेगा जब ये केस वन में एंटर करेगा केस वन में एंटर नहीं किया केस बी में आ गया केस बी में मतलब एक तरीके से सिंपल एल सेफ कंडीशन वाला ही सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे कि इफ वाला नहीं चला तो एल सेफ चलेगा एफ एल सेफ नहीं चला तो एल्स चलेगा कुछ इस तरीके से ही ये काम कर रहा है तो इस बार बी पे इसने केस को मैच कर लिया और बी वाला चलाया और बी वाला चला तो फिर ब्रेक भी चलेगा और यहीं से इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया और सी वाले पे गया ही नहीं इसने चेक ही नहीं किया सी पे ओके ठीक है और देखिए इसी तरीके में एक और आता है डिफॉल्ट डिफॉल्ट का क्या काम है डिफॉल्ट का भी सेम काम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है आपको डिफॉल्ट का मतलब हो गया कि अगर कोई भी केस मैच नहीं करा तो डिफॉल्ट की वैल्यू चल जाएगी वेल well, ट्राई यहाँ पे हम कर देते हैं वेल ट्राई ओके और यहाँ पे भी हम एक ब्रेक लगा देते हैं इससे बहुत ज़्यादा नीट तो है नहीं यहाँ पे ओके okay? अब क्या करते हैं कुछ ऐसा देते हैं जैसे मान लीजिए डी दे दिया मैंने डी के लिए कोई केस नहीं लगाया ना रन करते हैं इसको वेल well, ट्राई अगर किसी बच्चे का ग्रेड डी आया और वो केस मैच नहीं किया मेरे डिफाइंड केस में तो क्या होगा बाय डिफॉल्ट डी की वैल्यू डिफ़ॉल्ट की वैल्यू चल जाएगी और यहीं से जो है स्टेटमेंट आपका बाहर निकल जाएगा ओके तो इस तरीके से आपका स्विच केस वर्क करता है तो आप मुझसे पूछेंगे अगर मान लीजिए मैंने ब्रेक नहीं लगाया तो चलिए ब्रेक नहीं लगाते हैं हटा देते हैं तो ये क्या हो गया इसने सीधे बोल दिया कि थ्रो कर दिया स्विच केस में फॉल थ्रू द नेक्स्ट केस समझे आप तो इसमें आपको ब्रेक हर बार लगाना ही पड़ेगा ओके तो कुछ इस तरीके से ये वक़ करेगा आपका इसका एक थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म ये भी होता है कि जो आप बार बार हर केस में ये ब्रेसेस लगा रहे हैं इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं ये कोई आपका फिक्स रूल नहीं है कि आपको लगाना ही लगाना है यह बाय डिफ़ॉल्ट भी इसको एग्जीक्यूट कर देता है कुछ इस तरीके से चलिए अब देखते हैं इसको डी में वेल ट्राई आ रहा है बस सी को एग्जीक्यूट कर देते हैं फेयर ठीक है अब हमारा मैच किससे किया इसने थर्ड वाले सिनेरियोस उसने मैच कर दिया और उसको फेयर प्रिंट कर दिया तो ये होता है आपका स्विच केस ओके सो फ्रेंड आई होप यू अंडरस्टैंड तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एन चैनल एंड प्रेस द आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट थैंक यू